मार्च माह के पहले विभाग अपने अपने वित्तीय लक्ष्य को पूर्ण करने में जुटे हुए हैं। वहीं आरटीओ विभाग में पिछले एक पखवाड़े से साइट को लेकर दिक्कत होने से आम लोगों से लेकर विभागीय कर्मचारी तक परेशान हो रहे हैं। साइट बार बार बंद होने से न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि आवेदकों को परेशान होना पड़ रहा है। नए लाइसेंस के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। वहीं कई लोगों की लाइसेंस अवधि भी खत्म होने की स्थिति में आ गई। सबसे ज्यादा परेशान लर्निंग लाइसेंस की अवधि पूर्ण होने के बाद नवीन पक्का लाइसेंस बनवाने वाले हो रहे हैं। सर्वर की दिक्कतें आरटीओ विभाग के कर्मियों को काम करने के लिए दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ रहा है। दरअसल पोर्टल चालू होता है और कुछ मिनटों बाद फिर बंद हो जाता है। इधर एजेंट भी परेशान है, आवेदकों के फोटो भी नहीं हो पा रहे। इस तरह की स्थिति के बीच बीते दो सप्ताह से हैवी लाइसेंस का ट्रायल भी बंद है। सर्वर धीमा होने से पोर्टल बंद होने का मामला सिर्फ लाइसेंस बनाने और नए आवेदन को ही प्रभावित नहीं कर रहा बल्कि राजस्व को भी प्रभावित कर रहा है।